पुष्कर की बैजनाथ पहाड़ी पर मिला नाबालिग बालिका का शव, पुलिस ने लिया कब्जे में। बलात्कार के बाद हत्या का अंदेशा, आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक ग्रामीणों ने शव उठाने से किया इनकार। पुष्कर के नजदीक खोरी पंचायत के अधीन आने वाली प्राचीन बैजनाथ महादेव मंदिर की पहाड़ी पर सोमवार देर रात होकरा गांव की एक अबोध बालिका का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के मुताबिक होकरा गांव की बालिका बैजनाथ की पहाड़ियों पर रोजाना की तरह बकरी चराने गई थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने पहाड़ी के आसपास उसकी तलाश की। रात करीब 1 बजे बैजनाथ महादेव मंदिर से करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर घनी पहाड़ी के बीच बालिका का शत विक्षत शव पड़ा मिला। सूचना पर थाना अधिकारी राजेश मीणा महजाप्ता मौके पर पहुंचे, वहीं ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। रात को ही शव को मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मंगलवार सुबह ग्रामीणों और बच्ची के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव उठाने से इनकार कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। घटी है अपने बेनाची के अंदर, मेरी बहन थी सर, वो 11 साल की बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है और उसके पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बहुत बेरहमी से पत्थर पटक के, एक बार नहीं दोबारा पटक के हत्या कर दी है उसकी। और उसके लिए प्रशासन को इतना ही कहना है मेरा कि चाहे 24 घंटा की ये बोल रहे हैं, 24 घंटा नहीं 72 घंटे देंगे इनको, तब तक बॉडी नहीं लेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारे को और मुलजिम पकड़ में नहीं आएगा। बस पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला सहित थाना अधिकारी राजेश मीणा ने काफी देर तक ग्रामीणों से समझाइश की और शव को लेकर उसका विधिवत दाह संस्कार करने की अपील की। काफी देर तक समझाइश के बाद आखिर विधायक सुरेश सिंह रावत के 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने के पुलिस को दिए गए निर्देश और नहीं गिरफ्तार होने की हालत में जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने के आश्वासन के बाद आखिर ग्रामीणों ने शव लेने की हामी भरी। पुष्कर विधानसभा के होकरा गाँव में कल एक 11 वर्षीय बच्ची प्रतिदिन बकरियां चराने जाती थी, कल भी वो बकरियां चराने गई। शाम को जब घर पे नहीं लौटी तो उनके परिवार और गांव के युवा उसको पास की पहाड़ी में, जहाँ पे सब लोग बच्चे बकरियां चराने जाते थे, वहाँ ढूंढने गए तो उसकी लाश मिली। पत्थर से उसकी हत्या कर दी गई बलात्कार के बाद। तो रात को जब इसकी लाश मिली तो गाँव वालों को पुलिस को सूचना दी और अभी गाँव वाले सब लोग मांग कर रहे हैं कि भाई अपराधियों को चौबीस, और मेरे भी ये है कि 24 घंटे के अंदर उनको पकड़े। पुलिस प्रशासन ने कहा कि 12 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश कर देंगे, तो मैंने भी उनको अल्टीमेट दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हत्या का पर्दाफाश नहीं हुआ तो मैं भुगड़ताड़ करूंगा इसके ऑफिस के बाहर। वहीं थाना अधिकारी राजेश मीणा का कहना है कि पुलिस जोर शोर से हत्या और दुराचार के आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। उनका कहना है कि 24 घंटे में इस जघन्य हत्याकांड से पर्दाफाश कर दिया जाएगा। कल लगभग 6 बजे एक जो पीड़िता है, जोर से बोलो सर, पुष्कर थाने क्षेत्र की रहने वाली है, उसके उसका मर्डर कर दिया था बेगनाजी के पहाड़ियों में यहाँ पे, और उसके संबंध में हमें जो पर्सन अरेस्ट लग रहा है उसके साथ कुछ गलत काम भी हुआ है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया और अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, विधायक जी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? माननीय विधायक महोदय ने हमें 24 घंटे का समय दिया है, लेकिन हम लोग और श्रीमान टाइगर साहब पे हमें ये निर्देश है, ये हमें डायरेक्शन मिले हैं और श्रीमान SP साहब लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सर टाइगर साहब ये कह रहे हैं कि लगभग इसको 12 घंटे में इसका खुलासा करें और हम श्रीमान टाइगर साहब के जो बातों पे और उनके हमारे ऊपर जो उनका विश्वास है उस पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे और जल्दी ही इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। सर, रावत समाज में आक्रोश है कि पहले भी 3 मर्डर हुए हैं, उनका खुलासा नहीं हुआ, तो आप 12 घंटे में कैसे कर पाएंगे, क्या चैलेंज रहेगा? ये हमारे लिए चैलेंज है और हमें कुछ इनपुट मिले हैं, इस पे हम काम कर रहे हैं और जल्दी आपके समक्ष इसका खुलासा करके आपको अवगत करवा देंगे।